Good morning, friends. Myself Shashir Pandey, and today I will be discussing the topic oxyhemoglobin dissociation curve. तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा इस टॉपिक को समझने में. बॉडी में देखिए होता क्या है कि जितने भी हमारे सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और बेसिकली ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं, और जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका इसी चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है. जो एयर बाहर एटमॉस्फेयर के एक फॉर्म में होती है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, वो हमारी बॉडी में अंदर जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बॉडी सेल्स रिलीज करते हैं वो उसी रेस्पिरेटरी चैनल के थ्रू बाहर चले जाते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन ही अंदर क्यों जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ही बॉडी से बाहर क्यों जाती है. तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, इसको हम बेसिकली समझते हैं डिफ्यूजन से. तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है. तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन अंटिल द कंसेंट्रेशंस बिकम सेम थ्रू आउट इज नोन एज डिफ्यूजन. तो पर्टिकुलरली यहां पे मैं एक ही फॉर्म के स्टेट ऑफ मैटर की बात करूंगा जिसका जो कि गैसियस फॉर्म में होगा. तो जहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां से जहां पार्शियल प्रेशर कम होगा वहां पे गैसेस का मूवमेंट होगा. तो देखिए जब कभी भी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन का बॉडी के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा होगा तब बाहर की ऑक्सीजन बॉडी में अंदर चली जाएगी. तो यही कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस एक्चुअली सेट अ ग्रेडियंट विच प्रोवाइड्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द एयर इन द बॉडी सिस्टम. तो देखिए बेसिकली जब जब ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करती है तो ऑक्सीजन डायरेक्टली ही सेल्स जो हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में उसे कंज्यूम नहीं करते, वो बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ पहले कंबाइन करती है. किस फॉर्म में? ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में. और फिर एक्चुअली जब सेल की तरफ वो जाती है और पीएच गिरता है तब फ्री फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसका सेल्स अपटेक करते हैं. अगर आपको इस चीज को और ज्यादा पढ़ना है तो जहां पे मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाया है वहां पे बाइकार्बोनेट आयंस का कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस जहां मैंने पढ़ाया है वहां पर हम इस चीज को समझ सकते हैं. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी चीज पर बेस करता है कि सेल्स के पास जब ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाती है तो वो कैसे टूटेगी, उसको जिस कर्व से शो करते हैं उस कर्व का नाम क्या है. तो हम उस कर्व को एक्चुअली ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं. तो वर्ड से ही इसका मतलब समझते हैं बच्चों. यहां पे ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन हम जानते हैं एक प्रोटीन होता है बॉडी में जिसके पास एक एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की, और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करता है. इसीलिए जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो फॉर्मूला बनता है ऑक्सीजन का वो HbO2OOl4 बनता है क्योंकि वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कंबाइनिंग विद फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. तो देखिए आज का कॉन्सेप्ट यही है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर टिश्यू तक जाने के बाद कैसे ये ऑक्सीजन रिलीज होगी उसको एक कर्व के माध्यम से हम यहां स्टडी करेंगे, कुछ फैक्टर्स जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है. तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं. तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एक्चुअली में होता क्या है, देखिए ये एक ग्राफिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिग्मोइड कर्व. तो देखिए यहां पे ग्राफ में हम इसको समझ सकते हैं कि पहली चीज ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि मैंने एक ग्राफ बनाया है किस किस के एक्सिस के बीच में. एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है
और यहां y एक्सिस पे आप देखेंगे कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के रेफरेंस में परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं उसी को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन यह आता है कि इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की शेप क्या होती है। तो इसकी जो शेप होती है बच्चों वो बेसिकली सिग्मोइड होती है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो शेप होगी और जो एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस में हम क्या रखेंगे और वाई एक्सिस में हम क्या रखेंगे। ऐसा देखा जाता है कि जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यूज रिलीज होता है तो आप देखेंगे कि यहां पर जो 70% है, जब एक्चुअली 40 mm होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम देखते हैं कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो धीरे धीरे करके टिश्यू से रिलीज होना शुरू होता है और यहां पे देखिए ये 70% तक लगभग ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिलीज होता है। तो जैसे जैसे सैचुरेशन होता है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन में, जो बेसिकली इसका ऑर्गन में लंग्स है वहां पे ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करना शुरू करेगा और 97% के आसपास हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो फुली ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये जो हमारा कर्व आया इसमें अगर कर्व के दो शिफ्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ये तो देखिए जो हमारा कर्व आएगा नॉर्मल सिग्मोइडल कर्व, ये तो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है और जो पीएच है जो पीएच 7.4 होता है जिसको हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहते हैं उस पर आता है। जब कभी भी फैक्टर्स इस पर इन्फ्लुएंस डालेंगे तो या तो ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या ये कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे जाके उस वाले कर्व में हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स कर्व की शिफ्टिंग राइट की तरफ करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स कर्व की शिफ्टिंग लेफ्ट की तरफ करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, पहले हम वो फैक्टर्स की बात करते हैं जो कर्व की शिफ्टिंग राइट की तरफ करेंगे। तो जब कभी भी राइज इन टेम्परेचर होगा, देखिए नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो जब राइज इन टेम्परेचर की मैं यहां पे बात करूंगा देन इट इज अराउंड 43 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब कभी भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से राइज इन टेम्परेचर होगा तो उस समय जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसमें से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है। दैट मींस उस समय हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन की कंबाइनिंग एफिनिटी कम होती है। दूसरे फैक्टर की हम बात करते हैं, जब कभी भी डीपीजी का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ता है, तो डीपीजी का मतलब क्या होता है, 2-3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो ये एक केमिकल कंपाउंड है और जब जब इसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा तो जो कर्व शिफ्टिंग है वो अगेन राइट की तरफ होगी। तीसरा जो फैक्टर है यहां पर वो है फॉल इन ब्लड पीएच। देखिए नॉर्मल जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल पीएच होता है वो 7.4 होता है और बॉडी में जो बफरिंग सिस्टम होता है वो उस पीएच की वैल्यू को बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो एक्चुअली जो एरर परसेंटेज होता है वो सिर्फ 0.2 का होता है। तो अगर आप यहां पर नॉर्मल बॉडी का फिजियोलॉजिकल पीएच देखें जो कि 7.4 होता है तो पीएच का फॉल या राइज का जो वेरिएबल एरर होता है वो सिर्फ 0.2 का होता है। तो अगर मैं यहां पे देखिए फॉल इन ब्लड पीएच की बात कर रहा हूं तो वो 7.4 से 7.2 पे आ जाएगा और जो कर्व की शिफ्टिंग है वो अगेन राइट में होगी। फोर्थ फैक्टर है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए। बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। फोर्थ है द P50 इंडेक्स, ये हाई होना चाहिए। P50 का मतलब क्या होता है, 50 से हम समझते हैं कि जब हीमोग्लोबिन के पास 50% ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो चुका है या इसको हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से 50% ही
अनसेचुरेटेड है। तो मैं किसी भी कंसेप्ट कंटेक्स्ट में बात करूं, चाहे उसके सेचुरेशन की बात करूं, चाहे उसके अनसेचुरेशन की बात करूं, पर वो होना 50% ही चाहिए। तो ये वो पांच फैक्टर्स हो गए जो कि कर्व शिफ्टिंग को राइट की तरफ करेंगे। अब हम देखते हैं कि कर्व शिफ्टिंग जो लेफ्ट की तरफ होती है उनके लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली फैक्टर्स यही होते हैं, बस उनके चेंजेस के कारण जो कर्व की शिफ्टिंग है वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। मतलब कि इस समय हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की एफिनिटी ज्यादा होगी। पहला फैक्टर है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कितना लो? जब वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होके 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाए। फॉल इन डीपीजी कंसेंट्रेशन होना चाहिए। मैंने आपको बताया जब कभी भी 2-3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट की कंसेंट्रेशन कम होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा है पीएच का बढ़ना, राइज इन ब्लड पीएच। मैंने आपको बताया ही है फिजियोलॉजिकल पीएच से ये 0.2 यूनिट बढ़ जाएगा, तो जो 7.4 है उससे ये 7.6 हो जाएगा। अब जब कभी भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, उस समय जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा ऑक्सीजन से सैचुरेटेड होगा इन कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, और इसीलिए जो कर्व की शिफ्टिंग है वो अगेन लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। और यहां पे जो फाइव फैक्टर्स, फिफ्थ फैक्टर है वो है लो P50 इंडेक्स। तो इस टॉपिक में हमने बेसिकली ये देखा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की डेफिनेशन क्या है, उसका कर्व को हम एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं। बहुत सिंपल सा आता है एक क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस में हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रख दिया, वाई एक्सिस पे हमने परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन कर दिया। और अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। तो एक छोटा सा ये क्वेश्चन आ सकता है, नीट लेवल पे एक छोटा क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की शेप क्या होती है और कौन से फैक्टर का कर्व शिफ्टिंग पर क्या असर पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जब मैं यहां पर इस टॉपिक को डिस्कस करता हूं। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, और याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है कि जो भी फैक्टर कर्व शिफ्टिंग को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं उसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा जब कर्व शिफ्टिंग लेफ्ट में होगी। तो इसी नोट पे मैं यहां पे इस टॉपिक को क्लोज करता हूं।